हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाचार को पहचानकर उसका तथ्य परक सारगर्भित एवं समग्र प्रस्तुति ही समाचार लेखन है। इसे इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है कि घटना प्रसंग के घट जाने पर या किसी सभा सम्मेलन कार्यक्रम या समारोह की औपचारिक सूचना के आलोक में यथा समय वहां उपस्थित होकर सामाजिक सरोकार के निमित्त तटस्थ और तथ्यपरक जानकारी प्राप्त करके और फिर एक विशिष्ट शैली में उसे लिपिबद्ध करने की कला और कौशल ही समाचार लेखन कहलाती है। तो दोस्तों, हम अपने पिछले अध्यायों में जान चुके हैं कि समाचार जो प्राप्त किए जाते हैं उनका कौन सा स्रोत है या समाचारों के प्रमुख तत्वों पर हम अपने पिछले अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम इसी समाचार लेखन के सिद्धांत यानी कि समाचारों को लिखने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका एक संवाददाता को पालन करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं समाचार लेखन के सिद्धांत। दोस्तों, समाचार संकलन के दौरान जो भी तथ्य और जो से संबंधित प्रसंग होता है उनकी सम्यक अभिव्यंजना ही समाचार लेखन कहलाता है। जनजीवन की गतिशीलता और सक्रियता, जो भी जनजीवन में हो रहा है या जो भी है, उन सभी की सक्रियता समाचार में हमें देखने को मिलती है। इसीलिए समाचार पत्र को सामाजिक चेतना का दर्पण भी कहा जाता है। समाज जीवन के मूल्यों के नियामक के रूप में भी समाचार पत्र को प्रतिष्ठित किया गया है। साथ ही साथ समाचार लेखन के लिए वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। समाचार लेखन प्रकारांतर में भी इतिहास लेखन भी है और प्रामाणिकता और विश्वसनीयता इसके प्रमाण है, यानी कि किसी भी घटना का प्रमाण होना, फिर उस पर विश्वसनीय तथ्य प्राप्त होना ही समाचार लेखन का मूलभूत आधार है और इसके प्राण माने जाते हैं। जिस घटना प्रसंग को संवाददाता देखता है, समझता है, फिर उसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण करता है और उसके बाद फिर उसका अवलोकन और अवबोधन करके उसे देख समझ कर उसकी अभिव्यक्ति करता है, उसे ही समाचार लेखन कहा जाता है। दोस्तों, समाचार लेखन की गरिमा और गौरव की दृष्टि से समाचारों के लिए कुछ सिद्धांतों यानी कि कुछ सूत्रों का पालन करना आवश्यक होता है। कौन कौन से हैं वो सूत्र, चलिए जान लेते हैं उनके विषय में थोड़ा सा। पहला है वस्तुनिष्ठता का पालन। समाचार जो होते हैं, हम सभी जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इसकी कल्पना पर आधारित है। समाचार लेखन के लिए सत्य की खोज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। संवाददाता तत्वों के माध्यम से सत्य तक की यात्रा करता है। पहले वो तत्वों से कोई भी घटना को समाचार के रूप में जानता है, समझता है और फिर उसे समाचार के रूप में प्रतिपादित करता है और फिर इस तरह की यात्रा में उसका तटस्थ रहना अनिवार्य माना जाता है। घटना का तथ्य परक विवेचन और विश्लेषण में ही वस्तुनिष्ठता है। दोस्तों, घटना का विवेचन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की दृष्टि, प्रवृत्ति और प्रकृति कैसी है। घटना का जो वस्तु तत्व है वही तथ्य और शाश्वत होता है। दोस्तों, जो पत्रकार होता है उसका संस्कार, उसके स्वभाव, विचार, व्यवहार, प्रकृति और प्रवृत्ति घटना की वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करने में बाधक होती है, कई बार होता है ऐसा। और संवाददाता को अपने जो भी पूर्वाग्रह हैं, विद्वेष, व्यक्तिगत संबंध, आग्रह, वैचारिक प्रतिबद्धता, इन सब को छोड़कर समाचार लेखन करना चाहिए। कोई भी पूर्वाग्रह से संबंध होकर पूर्वाग्रह में फंस कर कोई भी समाचार लेखन नहीं करना चाहिए, या फिर उसको अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ऐसा ना हो कि झूठी खबर छाप दे या सही खबर को ना छापे, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाचार के सभी पक्षों का सम्यक संतुलन बनाए रखना चाहिए। पक्षपात रही समाचार देना ही पत्रकारिता की सबसे बड़ी मांग है। अतः वस्तुनिष्ठ विवेचन समाचार लेखन का मूलभूत सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों, सामाजिक मूल्य और मर्यादा को बनाए रखना। समाज ने जनजीवन के व्यवस्था और नियमन के लिए मूल्यों और मर्यादाओं की प्रतिष्ठा की है। यदि दोस्तों ये मूल्य और मर्यादाएं ना हो तो समाज में जो कानून है, नियम है, इनका
ये होंगे ही नहीं और इंसान जो हैं वो एक जानवरों की तरह अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे। ईमानदारी, भ्रातृत्व भाव, सहिष्णुता, सदाचार, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, अहिंसा, आत्मनियंत्रण इत्यादि सामाजिक मूल्य और मर्यादाएं मानी जाती हैं। और भ्रष्टाचार की खबर इसलिए छापी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से हम सामाजिक मूल्य और मर्यादा को बहाल कर रखने के लिए ईमानदारी की वकालत करते हैं। मतलब ईमानदारी से इन सब चीज़ों की वकालत की जाती है कि हमें भ्रष्टाचार की खबर छापनी है लेकिन वो खबर सही हो। अपराध की खबर भी इसलिए लिखी जाती है कि समाज जीवन में आत्मनियंत्रण, अहिंसा और स्नेह, सौजन्य का वातावरण बना रहे। हम भ्रष्टाचारियों को जो भी समाचार छापते हैं वो भ्रष्टाचारियों को जलील करने के लिए समाचार छापना चाहते हैं, ना कि उन्हें समाज में हीरो बनाना चाहते हैं। समाज की मान्यताओं और संस्थापनाओं को अक्षुण बनाए रखना ही पत्रकार का, संवाददाता का धर्म है, उनका दर्शन है। समाचार लेखन का यह सिद्धांत नियामक के रूप में पत्रकारों का मार्गदर्शन करता है। तीसरा है कानूनी अड़चनों से बचना। दोस्तों, भारत संविधान की धारा 19A के अंतर्गत हर नागरिक को बोलने और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का स्वतंत्र अधिकार है। भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन भी इसी धारा के अंतर्गत होता है। अमेरिका की तरह भारत में पत्रकारिता के लिए अलग से कोई कानून नहीं बना हुआ और पत्रकार को शासन व्यवस्था के तीनों अंगों की आलोचना का अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा सीमित है। उसी के अंदर रहकर संवाददाता ऐसा कर सकता है। न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने वाली टिप्पणी और आलोचनाओं पर भी कुछ प्रतिबंध हैं। समाचार लेखन के लिए ऐसी बातों से बचना चाहिए जिसमें कोई कानूनी अड़चन आए। किसी व्यक्ति की मानहानि, न्यायालय की अवमानना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, संसदीय विशेषाधिकार, ये इत्यादि कानूनों का पालन करना प्रत्येक संवाददाता के लिए आवश्यक है, तभी वो अपने समाचारों को छाप सकता है। किसी व्यक्ति को बदनाम करने के इरादे से यदि समाचार लेखन होता है तो ऐसे में संवाददाता सजा का भागी भी हो सकता है। इसलिए समाचार लिखने से पहले संवाददाता को बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको सोच समझ कर ही किसी घटना को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा सिद्धांत है राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता की रक्षा। दोस्तों, पत्रकारिता राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। एक तरह से राष्ट्र उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। देश की एकता अखंडता को अक्षुण बनाए रखने में समाचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र की सुरक्षा के तार कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए समाचार लेखन के समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी समाचार से हमारे जो संबंध हैं वो खराब ना हो जाए। जन जीवन के दिशा निर्देशन में भी समाचार लेखन का बहुत बड़ा महत्व और योगदान है। किसी दूसरे देश में युद्ध अथवा आंतरिक कलह जैसी विषम स्थितियों में ऐसा समाचार लेखन नहीं होना चाहिए जिससे सैनिकों का या आम जनता का मनोबल टूटे। आंतरिक कलह अथवा अलगाववाद की ज्वाला को देश के अन्य भागों में फैलाने वाला समाचार लेखन नहीं होना चाहिए। समाचार लेखन पर पाबंदी के सिद्धांत का पालन करना सभी पत्रकारों के लिए आवश्यक है। पांचवा सिद्धांत है राजनीतिक प्रतिबद्धता से निर्लिप्त पक्ष और विपक्ष। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग है, ये हम सभी जानते हैं, और लोक कल्याण और लोकहित में समाचार पत्र पक्ष और विपक्ष दोनों को ही समान महत्व देता है। जो समाचार पत्र होता है वो पीड़ित और प्रताड़ित या दबे कुचले की आवाज़ माना जाता है, उनको बुलंद करता है। इसी दृष्टि से समाज ने इसे लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना है। दोस्तों, समाचार लेखन के समय इस सिद्धांत का पालन अपेक्षित है। विपक्ष की जायज मांगों को संवाददाता महत्व देता है किंतु स्वयं विपक्ष के अभाव की पूर्ति नहीं करता। भारत हमारे देश में दोस्तों अनेक पार्टियां हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, इसलिए संवाददाता को किसी पार्टी विशेष के प्रचार का हथियार और औजार नहीं बनना चाहिए। संवाददाता की राजनीतिक प्रतिबद्धता से समाचारों की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाएगी और ऐसे में वो फिर अपना सत्व और महत्व दोनों ही खो देंगे। अगला है दोस्तों सिद्धांत जनमत निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालना।
जनमत निर्माण में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों यदि समाचार लेखन किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित हुआ तो फिर जो जनमत निर्माण है इस पर भी इसका अनुप्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पत्रकारिता के लिए फिर ये जो स्थिति होगी वो आदर्श स्थिति नहीं कहलाएगी। समाचार लेखन के लिए जनता के समक्ष समाचार लेखन के द्वारा जनता के समक्ष किसी भी घटना प्रसंग के संबंध में पक्ष विपक्ष के समग्र तथ्य उद्घाटित होने चाहिए ताकि जनता को उसके गुण दोष पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो। यानी कि दोनों ही पक्षों की बात संवाददाता को सुननी चाहिए और सोच समझ कर उन्हें समाचार में लिखना चाहिए। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक देवेंद्र स्वरूप के अनुसार संपादक को अपने विचार संपादकीय टिप्पणी तक ही सीमित रखने चाहिए। संपादक द्वारा पत्र को जनमत निर्माण के लिए अभियान पत्र की तरह उपयोग करना एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, स्पेशली जो सामान्य जन आम लोगों के लिए। हाँ, इतना अवश्य कि पत्रकार में युगीन चेतना होनी चाहिए और उसे देश समाज की समस्याओं को ध्यान में रखकर खबरों के महत्व का निर्धारण करना चाहिए और उसी अनुरूप समाचार पत्र में उनको स्थान भी देना चाहिए। आखिरी सिद्धांत है दोस्तों जनरुचि का नियमन करना। ये पत्रकारिता के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। समाज में अश्लीलता, अनैतिकता, अकर्तव्यता आदि विकृतियाँ तेजी से फैल रही हैं और जनरुचि के नाम पर इसका अनुसरण करना पत्रकारिता की गरिमा की दृष्टि से अनुचित ही है। दोस्तों पत्रकार को इस अधोगति यानी कि नीचे जाते हुए के विपरीत जनरुचि का परिष्कार करना होगा, तभी राष्ट्र और समाज का विकास संभव है। पत्र और पत्रकार की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा इसलिए अधिक है कि वो समाज का दिशा निर्देशन करता है, समाज को सच्ची खबरों से अवगत कराता है, लोगों को समाज में फैली बुराइयां या समाज में जो भी कुछ हो रहा है उन सब से अवगत कराता है। वह भूतकाल की त्रासदी और अथवा प्रेरक प्रसंग से सबक लेकर वर्तमान का मार्गदर्शन करते हुए भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित रहता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है संवाददाता के कंधे पर। इसी दृष्टि से संवाददाता को एक तरह से त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। यदि वह जनता को अधोगति से बचाने के लिए उसका रुचि परिष्कार नहीं करता है तो पत्रकारिता की आत्मा मर जाएगी और लोक जीवन में समाचार का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों संवाददाता या पत्रकारों को समाचारों के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, तभी वो एक हमारे घर में सुबह सुबह समाचार पत्र आता है और हम उसे पढ़ते हैं और एक तरफ से रख देते हैं। लेकिन इसके लिए एक पत्रकार या संवाददाता बहुत मेहनत करता है, तभी वो एक एक घटना को बड़ी बारीकी से चुनता है और फिर उसको समाचार बनाकर अपने समाचार पत्र में उसको स्थान देता है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में समाचार लेखन के सिद्धांत क्या है, मूलभूत सिद्धांत, इन पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।